आगरा शहर में न्यूज टुडे का तीसरा सरकारी विद्यालय का निरीक्षण संवाददाता राहुल कश्यप के साथ। पहला विद्यालय कन्या प्राइमरी नामनेर का निरीक्षण, कमी जर्जर हालत, शौचालय नहीं, पानी नहीं। दूसरा विद्यालय नंगला सीहो का निरीक्षण, कमी, लकड़ी की वल्ली से विद्यालय की छत टिकी हुई, शौचालय नहीं, पानी नहीं और प्रधानाचार्य तक नहीं। तीसरा निरीक्षण श्री राम सिंह कन्या पाठशाला नंगला भवानी सिंह आगरा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण द्वारा संचालित की गई व्यवस्था, इन दोनों विद्यालय से एक और कदम आगे। न्यूज टुडे आगरा के माध्यम से आप सभी को सरकारी विद्यालय की सरकारी व्यवस्था की पोटली को खोला जा रहा है। सरकार एक तरफ आदेश करती है, वादे करती है, हर घर में शौचालय हो, हर गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए मुफ्त किताबें दी जाए, हर संभव व्यवस्था दी जाए, लेकिन आगरा शहर में सरकारी योजना का पालन नहीं कर रहे अधिकारी। आगरा के बीएसए अर्चना गुप्ता को बताया जाता है कि आगरा के इस सरकारी विद्यालय की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, उनको तो आगरा के सरकारी विद्यालय की स्थिति भी नहीं मालूम। मैडम तो ऑफिस की कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, निरीक्षण तो पेपरों में ही हो जाता है, निरीक्षण होता है तो मैडम को बताना नहीं पड़ता। शशिकल, आप इस स्कूल की प्रधानाचार्य? हाँ जी जी। आप कब से पढ़ा रही हो? 75 से। अच्छा जी, आज आप जो रोड पे सड़क पे पढ़ा रही हो बच्चों को, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि बैठने की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंदर अंधेरा सा। नहीं, थोड़ी ठीक नहीं है क्या? बहुत ही खराब है या बहुत ही, मतलब ऐसा आप बोले थोड़ी में तो काम चल सकता है? हाँ। ज़्यादा खराब में काम नहीं चल सकता है, तो थोड़ी खराबी है या ज़्यादा खराबी है? थोड़ी खराब है। तो थोड़ी खराब है, कैसे थोड़ी खराब है? अब ऐसे है ना कि जैसे अंदर बैठते हैं तो आधे बच्चे अंदर बैठ पाते हैं, आधे बिल्कुल अंधेरे में बैठते हैं। क्या लाइट नहीं है स्कूल में? लाइट नहीं है। कब से लाइट नहीं है? लाइट तो जब से ये करंट आई है तब से तो फिर बिल्कुल ही नहीं है। आपने इसकी सरकार से कुछ शिकायत वगैरह की कि स्कूल के अंदर बिजली नहीं है? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, अब कभी लिख के दे भी देते हैं समाज कल्याण का जी। नहीं, समाज कल्याण का जो है लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, अंडरटेकिंग तो सरकार की है, योगी जी की है, उत्तर प्रदेश के सरकार की है। और तो अब आए नहीं, योगी जी अब आए लेकिन सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना इसकी? बनती है, देखो। मतलब आप इस तरह से जो बात कर रही हो, मायूस होकर बात कर रही हो, खुल के बात क्यों नहीं कर रही हो? सारी चीज बताओ ना खुल के। जब तक आप नहीं बताओगी दिक्कतें तो कैसे पता लगेगी सरकार को? तो समस्या जी लिख के ही दे सकते हैं और फिर उधर कोई सुनवाई नहीं करती, तो क्या? नहीं तो योगी सरकार तो काफी पैसा खर्च कर रही है ऐसे सरकारी स्कूलों में। योगी तो अब आए वो लड़कों का, नहीं तो सरकार तो शुरू से कर रही है, योगी जी की बात कर रहे हो आप, सरकार तो हमेशा ही करती है बच्चों के लिए सरकारी की। यहाँ हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है समाज कल्याण जी। आपके साथ कौन कौन पढ़ाता है स्कूल में? सपना मैडम। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि बच्चों की व्यवस्था करें अच्छी? क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट जो कुछ करेगी वो होगी, हम तो इतना ही कर सकते हैं कि जैसे इसमें टूट फूट हो जाती है कभी उसकी मरम्मत करवा ली, पुताई वगैरह करवा ली। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा छोटी मोटी कर सकते व्यवस्था आप करवाती हो जो अच्छी बात है, लेकिन आप जिस इस रोड पे पढ़ा रही हो, जाड़े का टाइम है, ठंड का टाइम है, बच्चे कुछ स्वेटर भी नहीं पहने हैं, कुछ इस किसी पे जूते नहीं हैं और ठंड का माहौल है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? धूप की वजह से बैठाएंगे, अब जब थोड़ा गर्मी से हो जाएगी तो अंदर बैठा लेते हैं, और धूप में तो यहाँ सर्दियों में धूप ही बनी रहती है, कुछ इधर बैठाते हैं कुछ इधर। नहीं तो पढ़ाई तो एक क्लास रूम के अंदर बेहतर पढ़ाई जाएगी या रोड पे अच्छी पढ़ाई होगी? रोड पे तो नहीं होगी अच्छी, ब्लैक बोर्ड लगा लेते। अच्छा चलो, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता और आप पढ़ाती तो आप उसके बारे में क्या कहते? हमारे बच्चे के पढ़े नहीं है, इसमें हमारे भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं इसी। नहीं नहीं, बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आपने बच्चों को ऐसे में पढ़ाना आप पसंद करोगी या नहीं? अब जो जैसी जिसकी परिस्थिति है वो वैसे ही पसंद कर ले। मैं बात परिस्थिति की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बच्चे की, आप इसकी प्रधानाचार्य है, अगर आप अपने बच्चों को इसमें पढ़ाना पसंद करोगी इस तरह की हालत में? ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो पढ़ाना ही पसंद करेंगे आप। मैं जो आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब ठीक से नहीं दे रही हो, आप घुमा घुमा के जब जवाब दे रही हो। और क्या करूं? मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, वो सरल सा सवाल है और सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा इसमें पढ़ेगा
पढ़ता होता है या आप पढ़ाना चाहोगी कि नहीं? हाँ पढ़ाना चाहेंगे। ऐसी व्यवस्था में अब क्या करें, हमारे बच्चे कोई मजबूर है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ आप अपना नाम बताइए। श्रीमती सपना दास। आप स्कूल में पढ़ाती हो बच्चों को? हाँ जी। कब से पढ़ा रही हो? मैं 88 से। ऐसे हमने अभी आपके सामने प्रधानाचार्य जी से अभी बात की, उन्होंने जो जवाब दिए वो जवाब कहीं ना कहीं कुछ ठीक ठाक जवाब नहीं थे, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की ये व्यवस्था बच्चों को पढ़ा रही हो रोड पे, क्या ये ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं है, परिस्थिति ऐसे हो जाती है। जैसे हमारे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, पर बिल्डिंग नहीं होने की वजह से वो लोग भी बाहर बैठते थे, मिट्टियों में धूल मिट्टी से लथपथ होके आते थे। फिर उनकी बिल्डिंग बन गई तो सही व्यवस्था चली, नहीं तो काफी साल तक वो ऐसे ही पढ़ते रहे। चलो आपने अभी अपने बच्चे के बारे में बताया, हाँ, लेकिन जिस स्कूल में वो बाहर पढ़ते थे तो उसकी एक बाउंड्री भी तो होती होगी। नहीं बाउंड्री तो होती थी, अब इसमें लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर तो कोई बाउंड्री भी नहीं है, तो एक आम रास्ता है, तो आम रास्ते के रास्ते में पढ़ाया जा रहा है। साल नहीं ये कितने 55 से ये स्कूल चल रहा है, तो ऐसे ही चल रहा था भैया। नहीं तो इसकी शिकायत आपने? नहीं शिकायत तो ये है, जब हमारी बिल्डिंग टूट गई थी तो हम लोगों ने शिक्षा विभाग में जा कर के वहाँ पर हमने अभी लेटर भी पढ़े होंगे, तब हमने कार्रवाई की थी। मैडम आके देख के गई थी, इंक्वायरी करके गई थी, सब कुछ करके गई थी। फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से बिलिंग करके जगह जगह जा कर के पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि कुछ कर सके, पर सब लोग यही बोलते थे गवर्नमेंट का स्कूल है, हम क्यों तुम्हें अनुदान। अच्छा अच्छा आप मेरे को एक चीज बताइए, जो गवर्नमेंट का स्कूल है अभी तक कोई अधिकारी या आगरे की BSA आगरे की क्या कहते हैं कोई अधिकारी निरीक्षण करने आया अभी तक? हाँ जी आते हैं बराबर आते, तो आने बस घूम के चला जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता? एक्शन का ये है, अब देखिए इधर परिषदीय विद्यालय एक है, उधर तो ये व्यवस्था है, टीचर तक को बैठने के लिए जगह नहीं है, गाय भैंस वगैरह बंदी वो इतने मजबूर है बेचारे, 2 घंटा 1 घंटा क्लास लगाते हैं, बच्चों को छुट्टी कर देते, खुद बैठे रहते, तो ये तो हालत है स्कूलों की। अच्छा तो इसमें देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, इस हाँ आपके स्कूल के अंदर लाइट नहीं है हाँ और बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, हाँ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अंधेरा लाइट आ जाए तो बहुत अच्छा है, हम लोग भी अच्छी तरह से, बच्चे भी ढंग से बैठे। तो लाइट कब से नहीं है? कब से लाइट नहीं है? लाइट तो शुरू से ही नहीं है। तो फिर कब तक आएगी लाइट? लाइट का तो पता नहीं है। तो उसका समाधान कैसे होगा? आप समाधान का ये है, पहले तो टोरेंटो नहीं था तो लाइट वो तारे थी हाँ। तो हम लोग हुक डाल के काम चला नहीं, तो मतलब चोरी करते थे आप लाइट की, मतलब एक रोशनी एक स्कूल के अंदर एक बच्चों को संदेश दिया जा रहा था कि हुक डाल के चोरी। ये है ना, ये बच्चों पे संदेश सही नहीं जाता है ना? नहीं ये तो बिल्कुल सही नहीं है, हम लोग भी मजबूर है, यहाँ बच्चों के स्कूल लड़कियों का स्कूल है, इसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है हाँ, आप तो हम अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि एक टॉयलेट बनवा ले कम से कम बच्चों की उसकी व्यवस्था। इसमें शौचालय नहीं है? नहीं तो बच्चे वगैरह टॉयलेट वगैरह कहाँ जाते हैं? रेंट का है ना, उसकी वजह से रेंट वाले इजाजत दें तो भी हम अपने तरफ से पन्ने में खर्च करके तो हम सोच कर सकते ये। आपके स्कूल के अंदर शौचालय है? नहीं है। नहीं कब से नहीं है? शुरू से ही नहीं है। तो ये बच्चे शौचालय के लिए टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं? आसपास चले जाते हैं, पहले तो में इधर उधर जाते हैं, कोई पास पास के तो वहाँ घर चले जाते हैं, बिल्कुल जगह नहीं है। तो आप इसके बारे में कोई सूचना किसी को दी आपने? कोई पूछने आता है ऑफिस की तरफ से, उनसे कह जरूर देते हैं, जो भी आते हैं। कौन आता है, कौन आया अभी तक? पिछली बार कब आया? पिछली बार गंदी अभी आए थे, समाज कल्याण अधिकारी भी आए थे, फोटो खींच के ले गए, लेकिन कह ही सकते हैं उनसे कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है? बाउंड्री तो होती थी अब इसमें, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर तो कोई बाउंड्री भी नहीं है, तो एक आम रास्ता है, तो आम रास्ते के रास्ते में पढ़ाया जा रहा है। साल नहीं ये कितने 55 से ये स्कूल चल रहा है, तो ऐसे ही चल रहा था भैया। नहीं तो इसकी शिकायत आपने? नहीं शिकायत तो ये है, जब हमारी बिल्डिंग टूट गई थी तो हम लोगों ने शिक्षा विभाग में जा कर के वहाँ पर हमने अभी लेटर भी पढ़े होंगे, तब हमने कार्रवाई की थी, मैडम आके देख के गई थी, इंक्वायरी करके गई थी, सब कुछ करके गई थी, फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से बिलिंग करके जगह जगह जा कर के पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि कुछ कर सके, पर सब लोग यही बोलते थे गवर्नमेंट का स्कूल है, हम क्यों तुम्हें अनुदान। अच्छा अच्छा आप मेरे को एक चीज बताइए, जो गवर्नमेंट का स्कूल है अभी तक
कोई अधिकारी या आगरे की बीएसए आगरे की क्या कहते कोई अधिकारी निरीक्षण करने आया अभी तक? हाँ जी आते हैं बराबर आते तो आने बस घूम के चला जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता? एक्शन का ये है, अब देखिए इधर परिषदीय विद्यालय एक है, उधर तो ये व्यवस्था है, टीचर तक को बैठने के लिए जगह नहीं है, गाय भैंस वगैरह बंदी वो इतने मजबूर है बेचारे, 2 घंटा 1 घंटा क्लास लगाते हैं।